जस्ट सिंपल ट्रिक स्टूडेंट्स सिक्स से डिवाइड कौन सा नंबर होगा जो टू का भी मल्टीपल होगा और थ्री का भी मल्टीपल होगा अभी टू का मल्टीपल होना चाहिए बट स्टूडेंट्स व्हाट अबाउट द फर्स्ट प्लेस कैन से फर्स्ट प्लेस ये जो फर्स्ट डिजिट है ए वो तो ऑड भी हो सकता है इवन भी हो सकता है राइट क्योंकि जो

और अब जब मैं रिवर्स ऑर्डर में नंबर लिखूंगा तो मतलब जो पहला वाला डिजिट है मेरा e वो तो इवन है बट अगेन a कहने से a कैन बी ऑड नाउ स्टूडेंट सिर्फ a इज ऑड अगर a ऑड है तो मतलब अगर लास्ट वाला डिजिट ऑड है तो वो 2 से तो डिवाइड ही नहीं होगा तो अगर 2 से नहीं डिवाइड होगा तो 6 से डिवाइड नहीं हो सकता राइट बिकॉज़ एनी नंबर व्हिच इज अ मल्टीपल ऑफ 6 विल डेफिनेटली बी अ मल्टीपल ऑफ 2 तो जब टू का मल्टीपल ही नहीं है नंबर ही ऑड है तो सिक्स का मल्टीपल तो नहीं हो सकता सो दैट मीन्स इट इज नॉट नेसेसरी कि ये जो हमारा पहला वाला नंबर है ये सिक्स से डिवाइड होगा ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है इफ यू वॉन्ट आई टेक वन एग्जाम्पल लेट्स टू बी ट्रिपल थ्री वन टू ओके मैंने ये नंबर ले लिया नाउ यू कैन सी दिस नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ सिक्स क्योंकि दिस इज अ मल्टीपल ऑफ टू और अगर हम इनके डिजिट्स का सम देखें डिजिट्स का सम आ रहा है ट्वेल्व तो मतलब ये ट्वेल्व डिजिट्स का सम है तो थ्री का भी मल्टीपल है और ये टू का भी मल्टीपल है बट अगर मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखू इफ आई राइट द नंबर इन रिवर्स ऑर्डर देन इट वुड बिकम नाउ स्टूडेंट्स इज दिस नंबर डिविजिबल बाय डिविजबल इट कैनोट बी अ मल्टीपल ऑफ सिक्स बिकॉज इट इज नॉट इवन पहले इवन होना तो जरूरी है राइट सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि सिक्स से डिवाइड होगा ही होगा ठीक है आई होप दिस हेल्प टू एवरी वन थैंक यू गाइस